राजद नेता विनोद सिंह द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। रविवार को कटिहार नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत भेड़िया रेखा के वार्ड संख्या 1 और 2 लगभग 200 परिवारों के बीच राशन किट बनाकर खाद्य सामग्री पहुंचाई गई, जबकि इस दौरान लोगों के बीच साबुन सैनिटाइजर का वितरण कर स्वच्छ संबंधित दिशा निर्देश देते हुए कोरोना आपदा से बचने का सुझाव दिया गया। के समाज सेवी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता विनोद सिंह जी के सहयोग से आज यहां पर वार्ड नंबर 2 में हम लोग आए हैं राहत सामग्री देने। पहली बात को आप लोगों को समझने की जरूरत है, ये कोरोना महामारी क्या है, इस बात को आप लोग समझिए। अभी आप लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं, नहीं सटना है, क्योंकि जहां आप सटिएगा वैसे ये बीमारी आपको पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि विनोद सिंह सुभाष सिंह जी हो या विनोद यादव जी हो या मून जी हो या रमन सिंह हो, सब लोग दूसरे दूसरे जगह से है। कौन कहां से आ रहा है, किससे मिलकर आ रहा है, पता नहीं। ये बीमारी एक दूसरे से सटने से है। जैसे हमें बीमारी हुई और हम इनसे सटे हुए हैं और मुझे बीमारी है, मुझे पता नहीं है, ये 15 दिन बाद भी पता लगेगा कि हमको बीमारी है। तब तक मेरे अंदर में वो कीड़ा, वो संक्रमण, जो कोरोना है, वो है अंदर में। जैसे मैंने इनको टच किया या शरीर टच हुआ या मैं खांस दिया तो ये सामने है, तो इनके सुनो, ये इधर पहले सुनो, तुम लोग बात सुनो, ऐ महान सुनो, पहले बात सुनो। तो ये इनके अंदर में है, फिर आपके अंदर में चला जाएगा, मेरे अंदर में है, फिर इनके अंदर में चला जाएगा। पहले बात को समझिए, इसलिए ये मास्क दिया जा रहा है। मास्क आप लोग मुंह में लगा लीजिए, मुंह में लगाइए, जिन जिन को मिला मुंह में लगाइए, मास्क को मुंह में लगा लीजिए। अभी का जो स्थिति है कि घरों में ही रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन रहें, घर से बाहर नहीं निकले, ये मेरा संदेश है। साथ साथ देश, विशेषकर बिहार और कटिहार, ये 2 महामारी से गुजर रहा है। एक कोरोना जैसे महामारी से और दूसरा भूखमरी से, 2 तरह का मार पड़ रहा है देश की, बिहार की जनता को, कटिहार की जनता को। इसलिए एक तरफ जो मामला है ये प्राकृतिक है, वो नेचुरल है, जो महामारी फैल रहा है। दूसरा सुल्तानी है, तो ये सुल्तानी जो व्यवस्था है, ये अकर्मण्यता के कारण आज शहर में, हर गांव में, पूरे बिहार में लोग भूख से परेशान हैं। गरीब असहायों के बीच राशन नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं बना है। और विशेषकर चूंकि 2 महीना होने जा रहा है लॉकडाउन का, आने वाले समय में 2 महीना हो जाएगा, 3 महीना, 3 मई के बाद लगभग, और पूरे लॉकडाउन है, तो वैसी स्थिति में जो लो मीडियम क्लास के लोग हैं उनके सामने बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि न तो उनका APL कार्ड है, तो उनके APL कार्ड पर राशन नहीं मिल रहा है। मैं बार बार जिला प्रशासन और बिहार सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि APL कार्ड पर भी लोगों को राशन मुहैया कराया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके एक बात कहने पर कि देश के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए आप जो है सब्सिडी छोड़ दिए, देश ने छोड़ दिया। आज उन लोगों के लिए जो कि विपरीत परिस्थिति हो गया, अब देश के प्रधानमंत्री की से हम लोग मांग करते हैं कि अब देश के उन लोगों को, जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, आज उनके सामने विपरीत परिस्थिति हो गई है, आप उनको जो है गैस सिलेंडर कम से कम 1 महीने का और
APL सूची के तहत उन लोगों को भी राशन मुहैया कराया जाए। जी देखिए, ये वार्ड नंबर 2 है और जिस तरह हमारे भारत में और बिहार राज्य में लॉकडाउन के तहत जितना भी टेम्पू, रिक्शा, चालक, ठेला, जितने आदमी हैं सब अपने घर में पड़े हुए हैं, किसी के घर में खाना तक नसीब नहीं है, वैसे असहाय निहत्थे आदमी को वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1 सबको मिलाकर हम लोगों ने कम से कम 200 आदमी को राशन देने का काम किया है। और ये समझिए कि जब लॉकडाउन हुआ है तब से लेके हम लोग ये 3 मई तक लगातार करते रहे। कटिहार के सक्षम लोग और जिला प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे DM साहब हैं, हम अपने DM साहब को पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं अपने आपके चैनल के माध्यम से, और ये कहना चाहते हैं कि हमारे DM साहब, जो भी हमारे जो ये आपका राशन की दुकान चल रही है उसमें जो भी आदमी राशन लेने जा रहा है, मैंने जन वितरण प्रणाली, वहाँ पर उसको राशन दिया नहीं जा रहा है। वहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा BPL से नाम कट गया, और वो लोग घूम घूम के आ रहे हैं, घर में उनका खाना नहीं बन रहा है। मैं अपने आपके माध्यम से DM साहब को आगाह करना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दे और इस पर नकेल कसा जाए ताकि गरीबों के घर में चूल्हा जले। धन्यवाद। मैं विनोद कुमार सिंह, राष्ट्रीय जनता दल से हूँ। राहत वितरण किया जा रहा है क्या? आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस बीमारी से लोग परेशान हैं और प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन किया गया जो निर्णय है, हम लोग उसको अनुपालन करते हुए इसको हम लोग निभा रहे हैं। और हमारे RJD के नेता विनोद कुमार सिंह के द्वारा लगभग 200 आदमी के बीच में मास्क, साबुन और राशन का वितरण किया गया है। और हम लोग लगातार विगत कई वर्षों से विनोद जी इसमें गरीबों के साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग उनके साथ रह के यह काम को आज निपटाया गया है। और फिर हम लोग बार बार इसे करते रहे, जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम लोग गरीबों के बीच राशन बांट वितरण करते रहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ राधारमन सिंह, वार्ड नंबर 2 से हम हैं, मेरा घर वार्ड नंबर 2 में है, मेरा नाम राधारमन सिंह है। वहीं दूसरी ओर प्राणपुर विधानसभा के राजद नेता मोहम्मद तौहीद आलम और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से गरीब, मजदूर, असहाय, लाचार लोगों के बीच खाने पीने की राशन किट बनाकर वितरण किया जा रहा है। इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राजद के सुप्रीमो बॉस लालू प्रसाद यादव के बेटे भाई तेजस्वी यादव और जद्दा बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष है और युवा का प्रदेश अध्यक्ष तारी सोहे साहब के आह्वान पर हम लोग राहत सामग्री का पैकिंग कर रहे हैं। और यह राहत सामग्री ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं जो इस महामारी में लोग भूखे रह रहे हैं, उस लोगों के घर तक हम लोग पैकेट बनाकर दे रहे हैं ताकि वो लोग भूखा नहीं रहे और उनका चूल्हा जल सके।